हेलो दोस्तों, कुछ समय पहले जो है हमने इस मोबाइल का अनबॉक्सिंग और डिटेल रिव्यू डाला था, तो अभी तक नहीं देखा तो इस वीडियो के बाद में जाके ज़रूर चेकआउट कर लेना। आज दोस्तों मैं कचोड़ा कंपनी का ही एक और मोबाइल का अनबॉक्सिंग और रिव्यू लेके आया हूँ, कचोड़ा K117। जी हाँ दोस्तों, यह है प्रॉपर मोबाइल है और वही कचोड़ा की खासियत बात दोस्तों, या तो मोबाइल बहुत ज़्यादा बड़ा होगा या बहुत ज़्यादा छोटा होगा। तो दोस्तों आज जो है इस स्लिमेस्ट फ़ोन की जो है अनबॉक्सिंग करने वाले हैं, साथ में जो है आपको रिव्यू भी देने वाले। चलिए दोस्तों ज़्यादा नहीं करते, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों बॉक्स जो है कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिल जाता है, बुक जैसा लगता है, पतला सा बॉक्स है, ज़्यादा कुछ इसमें दिया हुआ है नहीं। कचोड़ा कंपनी की ब्रांडिंग दी गई है, यहाँ पे जो है ब्लूटूथ डायलर लिखा गया, मोबाइल जो है कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिल जाता है। और दोस्तों बैक साइड में जो है कुछ इसके की स्पेसिफिकेशन वगैरह लिखे गए हैं। डिस्प्ले जो है 1.44 इंच की होने वाली है। इसमें कैमरा भी दिया गया आपको, उस वाले मोबाइल में कैमरा आपको नहीं दिया गया था, इसमें कैमरा दिया गया है। आप इसमें MP3 MP4 गाने भी चला सकते हैं। ड्यूल सिम ब्लूटूथ वर्जन 2 दिया गया है, बहुत ओल्ड वर्जन है लेकिन 2 दिया गया इसके अंदर, और मेमोरी कार्ड भी लगा सकते हैं इसके अंदर। लिथियम आयन बैटरी दी गई है, ब्लूटूथ भी आपको इसमें देखने को मिल जाता है, 3.5 mm का जैक भी आपको इसमें देखने को मिलता है। इसकी प्राइस जो है आपको 799 रुपये दिखा रखी है, लेकिन दोस्तों ये मोबाइल जो है आप महिमा मोबाइल मेगड़ता रोड पाली से जो है बहुत ही सस्ते प्राइस में परचेज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों ज़्यादा देर नहीं करते, इस बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। बॉक्स जो है मैंने ऑलरेडी खोल लिया था, तो मैं आपको दिखा देता हूँ मोटा मोटा डायरेक्टली कि क्या क्या हमको देखने को मिलता है। एक तो हमारा ये मोबाइल देखने को मिलता है कुछ इस प्रकार से, इसके अंदर बैटरी अलग से दी गई थी तो मैंने जो है ऑलरेडी इसमें इंसर्ट कर ली है। ठीक है, इसको एक बार एक तरफ रखते हैं। और ये जो है दोस्तों आपको चार्जिंग केबल दी गई है, वाइट कलर के अंदर दी गई, तो केबल की क्वालिटी भी ठीक मुझे लग रही है। चलिए इसको साइड में रख देते हैं, अब देखते हैं हमारे मेन मोबाइल को। तो ये है दोस्तों हमारा मेन मोबाइल, इसके बैक साइड में आपको जो है कैमरा दिया गया है, प्राइमरी कैमरा, और कितने मेगापिक्सल का वो भी देखेंगे, शायद 2 मेगापिक्सल वाला ही या उससे कम वाला ही होगा। इसका भी चेकआउट करेंगे कितने मेगापिक्सल का आपको कैमरा दिया गया है। कचोड़ा कंपनी की ब्रांडिंग दी गई है, कार्ड फोन इसको नाम दिया गया है, बेसिकली जो है K115 कार्ड 115 इसका मॉडल नंबर है, जो कि यहाँ पे भी लिखा गया है। यहाँ पे जो है आपको स्पीकर दिया गया है, कचोड़ा कंपनी की ब्रांडिंग दी गई है। चलिए इसको ऑन कर लेते हैं, कुछ इस प्रकार से जो है ये ऑन होने वाला है, और बहुत ही क्यूट सा लग रहा है दोस्तों। देख पा रहे हैं कितना छोटा सा है, स्लिम सा है एकदम। तो इसका ब्राइटनेस कम कर देता हूँ ताकि मैं आपको अंदर के मेन्यूज़ वगैरह इसमें दिखा पाऊँ। हालांकि मेन्यूज़ वगैरह तो वही सिमिलर से ही मिलते हैं आपको सभी फ़ोन के अंदर, जितने बेसिक फ़ोन हैं। तो देख पा रहे हैं टाइम डिस्प्ले कुछ इस प्रकार के देखने को मिलती है, 1.44 इंच की, और इसके अंदर आपको जो है ब्लूटूथ वर्जन 2 भी दिया गया है। मेन्यू जो है आपका इस प्रकार से आएगा, जिसमें ब्लूटूथ डायलर दिया गया, सबसे पहले फ़ोन बुक दी गई है, कॉल कैलेंडर, मैसेज, मल्टीमीडिया, मल्टीमीडिया में क्या दिया गया, कैमरा, इमेज व्यूअर, वीडियो रिकॉर्डर, वीडियो प्लेयर वगैरह दिया गया है, साउंड रिकॉर्डर, FM भी दिया गया है। FM देखते हैं डायरेक्ट चलेगा या नहीं, तो FM जो है इसमें डायरेक्ट नहीं चलेगा, उस वाले फ़ोन में जो है डायरेक्ट चलता था हमारा FM। ठीक है, तो इसको बैक करते हैं एक बार। सेटिंग ऑप्शन दिया गया है, टूल दिया गया है, और सर्विस एड्रेस वगैरह भी इसमें दिए गए हैं, प्रोफाइल आप सेट कर सकते हैं, फाइल मैनेजर भी आपको देखने को मिल जाता है। 32 MB रैम और 32 MB जो है आपको रोम देखने को मिल जाती है इसमें इनबिल्ट। इसके अलावा जो है आप इसमें 1 GB 2 GB तक के मेमोरी कार्ड वगैरह भी लगा सकते हैं। इसमें देखिए दोस्तों, कीपैड जो है वापस से वही वॉइस के थ्रू जो है आपको बताता है कि 2 दबाया, 3 दबाया आपने, तो मैं एक बार आपको सुना देता हूँ। तो ये चीज़ सेम उसमें इस वाले मोबाइल में भी आपको देखने को मिलती थी, कचोड़ा A26 के अंदर भी ये चीज़ दी गई थी। तो ये फीचर दोस्तों बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है, तो ये फीचर भी इसमें दिया गया है। बहुत ही ग्लोसी डिज़ाइन में आपको देखने को मिल जाता है, बहुत ही क्यूट सा फ़ोन है, वहीं पे भी आप इसको छुपा के रख सकते हैं। चलिए दोस्तों इसको ऑफ़ करता हूँ, वही बेसिक फीचर्स दिए गए हैं इसमें, ज़्यादा कुछ ऐसा अपने को देखने को मिलता है नहीं। बॉटम साइड में जो है आपको चार्जिंग स्लॉट और 3.5 mm का जैक भी देखने को मिल जाता है। अब इसको ऑफ़ करके जो है हम इसके बैक साइड में देख लेते हैं कि हमें इसके अंदर कौन कौन से स्लॉट देखने को मिलते हैं। पैनल को ओपन करने के बाद पता चला कि इसमें 2 सिम कार्ड और 1 मेमोरी कार्ड जो है तीनों चीज़ एक साथ आप इसमें लगा सकते हैं। और दोस्तों कचोड़ा कंपनी की BL4C जो है बैटरी, जो नोकिया के मोबाइल में आया करती थी, वो वाली बैटरी जो है इसमें लगती है, लेकिन इसकी साइज़ थोड़ी छोटी लग रही है मुझे। तो बैटरी भी जो है आपको इस प्रकार की देखने को मिल जाती है। इसकी बिल्ड क्वालिटी अच्छी लग रही है और प्राइस के हिसाब से 700 रुपये के हिसाब से अच्छा लग रहा है फ़ोन। फिर भी दोस्तों ये ऑफ़र वगैरह चलते रहते हैं, ऑनलाइन अगर आपको चेकआउट करना हो तो आप जो है ऑनलाइन भी चेकआउट कर सकते हैं। बाकी दोस्तों आगे आप कौन से मोबाइल का अनबॉक्सिंग और रिव्यू देखना चाहते हैं कचोड़ा कंपनी के, या फिर अदर कोई अनबॉक्सिंग चाहते हैं, तो वो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। इसका वीडियो जो है हमने पहले ही बना दिया है, अभी तक नहीं देखा तो इसका वीडियो भी चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।